इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें, बीजापुर के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मरुडाबका गांव में विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें ग्रामीण एक बीमार महिला को फंती नदी से पार कराते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद गांव के स्थानीय युवाओं ने तेज बहाव वाले उफनते नाले पर रस्सी बांधी और महिला को घाट पर लटकाकर नाला पार कराया गया है। वही दूसरी तस्वीर आपको बताएंगे, जहां पर आपको बता दें ये तस्वीर जो है सुकमा की है, जहां बता दें मृत नवजात के शव को लेकर ग्रामीण रस्सी के सहारे पुल पार करते नजर आ रहे हैं। मामला भेज्जी थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र के कोलाई गुड़ा का बताया जा रहा है, जहां नवजात की तबीयत खराब होने के बाद उसे सुकमा जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो बस्तर की तस्वीरें आज भी कुछ ऐसी निकल कर सामने आती है, जहां देख सकते हैं आप विकास नहीं पहुंचा है, नक्सलियों के कारण लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में न यहाँ पुल बनाए गए हैं और ना ही यहाँ तक रास्ते हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग आज भी मजबूर है। देख सकते हैं पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां महिला के जो परिजन है वो परेशान है। फूड पॉइजनिंग हो गया था, महिला को फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के लिए, उन्हें पुल पार कराने के लिए चारों ने रस्सी बांधा और आप देख सकते हैं खाट पर पुल पार कराते नजर आ रहे हैं। और वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो भी बेहद आप देख सकते हैं सुकमा की है, जहाँ बच्चे को लेकर, बच्चे का शव लेकर परिजन नदी पार करते नजर आ रहे हैं।